दिल दिया गल्ला। 28 साल पहले आपने मेरे डैड को कहा था कि वापस आके हॉस्पिटल बनवाना है, फिर आपने उन्हें वापस नहीं आने दिया। एक महीने पहले आपने खुद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जो कि किसी वजह से बंद हो गया, और उसके लिए भी आपने मेरे डैड को ब्लेम किया, ये कहा कि आपका सपना उनकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। आज जब चाचा जी खुद आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसके लिए भी आप डैड को ही ब्लेम कर रहे हैं? नहीं चाचा जी, बोलने दीजिए ना, बोलिए ग्रैंडपा, प्रॉब्लम क्या है? तू नहीं समझेगी अमृता, रहने दे, छट पड़े, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर जान। पर मुझे बात करनी है। एक बार बस इस सिचुएशन के लिए आप अपना ईगो साइड में रखकर सीधा सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमेशा ना हर बात सिर्फ आपके बारे में नहीं होती है। क्या दिक्कत है आपको? आपका हॉस्पिटल फिर से बन रहा है तो आपको तो इसके लिए खुश होना चाहिए ना, लेकिन आप गुस्सा लेकर बैठे हुए कि हॉस्पिटल आपके पैसे से नहीं, आपके बेटों के पैसों से बन रहा है। परसों पहले आपने भी तो यही सपना देखा था ना कि आपके बेटे आपका सपना पूरा करेंगे, और आज जब पिंड में आपके बेटे आपके लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप गुस्सा क्यों हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अच्छा चलिए छोड़िए, जो भी बात है हॉस्पिटल भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, पर ये तो देखिए कितना बड़ा चेंज आया है राणा चाचा जी की लाइफ में। इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये उनकी लाइफ का। आज खुद वो अपने मन से, अपने पैसों से आपका सपना पूरा करने की शुरुआत कर रहे हैं। वो चाहे तो अपने अपने मेहनत के पैसों से अपने लिए घर, अपने लिए एक दुकान, या चाहे कुछ भी कर सकते हैं ना, बट वो सब कुछ करने के बजाय वो आपके हॉस्पिटल में पैसा लगा रहे हैं जो उनके नाम पे भी नहीं है। इतना सेल्फलेस तो कोई भी नहीं होता आजकल ग्रैंडपा, और जब ऐसा कोई इंसान होता है ना हमारी लाइफ में, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाचा जी को सॉरी बोलना चाहिए। वो नहीं पुत्र, होए बड़े सॉरी नहीं बोलते पुत्र, नहीं नहीं चाचा जी। हाँ पुत्र, बड़े छोटों को सॉरी बोल दे तो वो छोटे नहीं हो जाते, इसमें उनका बड़प्पन है, और उन्हें समझना होगा कि वो जिंदगी भर आपको निकम्मा निठल्ला नहीं बोल सकते। उन्हें भी समझना चाहिए कि छोटों को भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी हर्ट होता है। वो जिंदगी भर आपको निकम्मा निठल्ला नहीं बोल सकते, आपको भी तो हर्ट होता होगा ना। उनके दो बेटे हैं और उनको दोनों में से किसी पे भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर वजह चाहे कोई भी हो, है ना चाचा जी? ग्रैंडपा, बच्चे चाहे बाहर में कितनी भी तरक्की कर ले, उन्हें कितनी भी तारीफें मिल जाए बाहर वाले लोगों से, लेकिन उन्हें ना वैलिडेशन अपने घर वाले लोगों से चाहिए होता है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, और इसी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, मैं फिर भी कहूंगी, प्लीज चाचा जी को सॉरी बोल दीजिए। नहीं पुत्र नहीं, मेरी चाह बार भेज दी संजोत को रे, धूप में बैठा हूं मैं। शाबाश पुत्र, तू तो बड़ी बहादुर और निडर निकली है, अपने चाचे के लिए खड़ी हुई तू, थैंक यू। मेरी डैडी जी की चाय मैं लेके जाता हूं जी, मुझसे नाराज बैठे होंगे।
डैडी जी चाह पी लो जी, गर्मा गर्म है जी, जल्दी पी लो ना, ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आना जी। वो डैडी जी वो बच्चे की बात का बुरा मत मानना जी, दिल पे मत लेना, उम्र ही ऐसी है जी, खून गर्म होता है इसमें। प्लीज सुन। हाँ जी बैठ। हाँ जी बैठ। पर प्लीज आप बिल्कुल बुरा ना मानना डैडी जी। ले ले। डैडी जी आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आना भी चाहिए, लेकिन एक बार आप मेरी बात सुनिए। राणा ने हमारे मकान के सारे पैसे उस अस्पताल के लिए दे दिए, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया तक नहीं। हवेली वाली बात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। किसी ने उन्हें डांटा, उन्हें समझाया कि राणा ये गलत है, मेरी सारी गलती गुनाह है और आपके बेटों के सारे गुनाह माफ। ये कैसा इंसाफ है डैडी जी? ओए, डैडी जी को क्या बोल रही है, इन्होंने क्या किया है और आपने क्या किया है? 15 लाख जैसी बड़ी रकम को आपने अस्पताल के नाम कर दिया, मुझे पूछा तक नहीं, हमारे बारे में सोचा भी नहीं। ओए हाँ, दे दी रकम, 15 लाख दे दिए, मेरे पैसे थे, मैं जो मर्जी करूं। और फिर वो 20 लाख में से 15 लाख ही तो हॉस्पिटल में दिया, 5 लाख बचा के रखे रिया के लिए। और फिर उसका पेपर इतना अच्छा हुआ है, किसी भी दिन उसका रिजल्ट आ जाना, फिर एडमिशन के लिए तो चाहिए ना बाकी के 5 लाख, वो रखे हैं। तो सिर्फ बेटी की पढ़ाई की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं? और मैं पूरी जिंदगी क्या कॉल सेंटर में काम करती रहूं, हमारे बुढ़ापे के बारे में कुछ नहीं सोचा? आप सोच भी नहीं सकते हो। दादी जी आप मुझे बेटी मानते हैं ना, तो आज आप बेटी का इंसाफ कीजिए। हाँ मैंने अस्थियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपना घर बचाने के लिए। चाय जी भी तो यही चाहती थी कि उन अस्थियों के बहाने से इस घर में सुख आए, शांति आए, तो मैंने भी तो वही चाहा। मैं कहाँ गलत हूँ? आपने हमेशा अपने बड़े बेटे के बारे में सोचा, उनकी फैमिली के बारे में सोचा है, कभी फक्र से, कभी रंजिश से, लेकिन आप हमेशा उनके बारे में सोचते। लेकिन आज आपको छोटे बेटे के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी फैमिली के बारे में सोचिएगा। और आखिर कब तक हम दूसरों के किए का खामियाजा भुगतते रहेंगे? डैडी जी चीजें अपना हाथ से बहुत निकल गई है बाहर, जो आज तक नहीं हुआ ना इस घर में, आज बाहर वालों की वजह से इस घर में हुआ है। आज आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरा घर टूट रहा है। ओए डैडी जी, इसीलिए लेकर आए थे आप मुझे अपने घर में। आपने मेरे माँ बाप को वादा किया था कि आप मुझे बेटी मानेंगे। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस बेटी के साथ क्या इंसाफ होता है। आप इंसाफ करेंगे ना डैडी जी? कुछ तो कहिए, कुछ तो कीजिए डैडी जी। डैडी जी पीछे हो जाओ सारे। मेरे इस घर के किसी आदमी ने आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। ये मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। बेटियों को अक उठाकर देखने वाले को क्या सजा मिलती है, ये मैं तुझे आज बताऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी होगी ओ राणे? कैसे होगी तेरी हिम्मत राणे, गोली पे हाथ उठाने की?
मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सरदार जी, जवान पुत्र पे हाथ नहीं उठाना। पास से हट जा सर। नहीं तुझे मारोगे। पास से हट जा संजय। बीजी बीजी एक मिनट। नहीं नहीं। मैंने गाल कर दो। मैंने गाल कर दो। बहू पे हाथ उठाएगा तू? बेटी पे हाथ चुकेगा? बेशर्म। छोड़ दो, छोड़ दो। एक और हाथ उठाएगा तू? बिल्कुल छोड़ दो सरदार जी। नलायक। मैंने कुछ नहीं किया डैडी जी। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो मेरा हाथ नहीं रुकना। नहीं। जो बीच में आएगा मोर खाएगा। जो आदमी औरतों पे हाथ उठाता है वो आदमी नहीं होता है। दादी जी प्लीज, दादी जी मुझे रुक जाइए। और मेरे कागज किसी ने आज तक औरतों पे हाथ नहीं उठाया। दादी दादी डरती होता यार प्लीज। और तू कहां से सीख के आया होए? और मत मारिए। मैं इन्हें मार खाता नहीं देख सकती। जब आप प्यार करते हो मत मारिए, मत मारिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.